स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। आज हम अपने प्राचीन भारत को लेकर चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स ही जो एग्ज़ाम होते हैं उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही इंटरेस्टेड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पुट ऑफ किए जाते हैं। इनको समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की, हर्यक वंश के किसका क्रम क्या था जो इनमें शासक हुए, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाया और किस किस के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो इस तरीके से जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के जो स्थापक थे वो थे बिम्बिसार। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की। तो हमें पता चला कि हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की। तो बिम्बिसार को अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, जैसे कि श्रैणिक, इसको श्रैणिक भी बोला जाता था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिम्बिसार को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था, आप बता सकते हैं सैनिक से। हाँ, तो बिम्बिसार ने जो अपने साम्राज्य के को बढ़ाने के लिए अन्य अन्य राज्य जो गणराज्य थे या राज्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले जो इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो लिच्छवी गणराज्य के साथ किए। तो लिच्छवी गणराज्य के साथ जो चेटक थे, उनकी जो वहाँ के राजा थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेलना, जिसके साथ इन्होंने विवाह किया। उसके बाद इन्होंने कोसल राज्य से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जहाँ उन्होंने प्रसन्नजीत की जो बहन थी महाकोशला उससे शादी की। इसके बाद इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जो काशी था, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख से भी ज़्यादा थी, तो वो इन्हें इस दौरान दहेज के रूप में मिल गया और इस पर इनका अधिकार हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने चेटक की पुत्री चेलना से शादी की, उसके बाद प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से की। इसके बाद जो अवंती राजा थे प्रघोत, उनसे भी इनके काफ़ी मित्रतापूर्ण संबंध थे, क्योंकि जब उनको एक बार पांडु रोग, मतलब एक बार वो बीमार हो गए थे, पांडु रोग नाम से ग्रसित हो गए थे, तो इनका जो राजभेद था, मतलब बिम्बिसार का जो राजभेद था, क्या नाम था उसका, जीवक, उनको भेजा गया इनके इलाज के लिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑफ किया जाता है यही किया जाता है कि बिम्बिसार जो राजा थे उन्होंने अवंती के किस राजा के यहाँ आप जीवक को भेजा था, तो या आप ये भी पूछ सकते हो प्रघोत को भेजा था, या ये भी कह सकते हैं किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। इसके बाद जो इन्होंने अगला जो इन्होंने जिस राज्य को मिलाया तो अंग राज्य को मिलाया, जहाँ का उपराजा इन्होंने अपने बेटे अजातशत्रु को बनाया। इसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजगृह, इन्होंने वहाँ पे एक राजगृह नामक नगर बसाया था और इसको अपनी राजधानी बनाया। तो राजधानी बनाने के बाद इनके एक और बात है, जो महात्मा बुद्ध थे ये बिम्बिसार के ही समकालीन थे। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, संस्थापक कौन था, बिम्बिसार। दूसरा था इनका कि इन्होंने काशी प्रांत कैसे प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, तो काशी प्रांत जो प्राप्त हुआ था इनको तो प्रसन्नजीत की बहन माँ खोसला से शादी विवाह करने के बाद इनको ये प्राप्त हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना जो जीवक नामक वैद्य राजवैद्य था उसको कहाँ, किसके यहाँ भेजा था, तो उसको ये आप अवंती के राजा थे उनके प्रगोत, उनके यहाँ इनको भेजा था। किस नगर की स्थापना की, राजगृह की स्थापना की, और इसको अपनी राजधानी बनाया। ये ही इसमें से क्वेश्चन पुट ऑफ किए जा सके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता बिम्बिसार से। अब बात करते हैं इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था, इनका जो अंत था बहुत ही दुखदायक था, इनको बंद कर दिया गया था और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए जो अजातशत्रु था उसको पितृहंता भी बोला जाता था, मतलब पिता की हत्या करने वाला। सबसे पहले यही थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। उसके बाद बात करते हैं अजातशत्रु को अन्य नाम से पुकारा जाता था, जिसका नाम था कुड़िक। कुड़िक बोलते हैं इसको। तो अब पूछ सकता है अजातशत्रु का नाम दे देगा इसको, किसके नाम से, इस नाम से किसको पुकारा जाता था, तो किसको पुकारा जाता था इस नाम से, उन नाम से पुकारा जाता था अजातशत्रु को। तो जब इनके इसकी दौरान जब शत्रु जब शासन कर रहे थे, इसी दौरान क्या हुआ, जो कौशल और मगध जो राज्य थे इन दोनों में संघर्ष हो गया। संघर्ष का मेन कारण था जो इनकी बहन थी आपके ये प्रसन्नजीत महाकोशला, इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, जो इनके भाई थे इससे ज़्यादा परेशान हो गए थे, मतलब उनके अंदर बदला लेने की भावना आ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका इनको राज्य दिया था काशी प्रांत, उसको उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया। तो अधिकार जब कर लिया तो अजातशत्रु ने ये सोचा कि इस पर अधिकार कैसे किया जाए, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो संघर्ष में क्या हुआ, सबसे पहले जो वहाँ के राजा थे कौन थे, प्रसन्नजीत, हार गए और ये शरावस्ती एक राज्य था, उस शरावस्ती था तो उसमें जाके ये छिप गए थे। इसके बाद इन्होंने दूसरा संघर्ष हुआ, दूसरे संघर्ष में क्या हुआ, अजातशत्रु हार गया और इन दोनों के बीच में संधि हो गई। संधि होने के बाद जो प्रसन्नजीत की जो बहन थी उसका विवाह कर दिया गया अजातशत्रु से।
तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हुए? सबसे पहला हुआ कि इसके अजातशत्रु को क्या क्या बोला जाता है, पहले पितृहत्ता बोला जाता है, दूसरा कुरूप भी बोला जाता है। इसके बाद संघर्ष में क्या हुआ, संघर्ष में पहली बार ये हार गए और दूसरी बार जीत गए, कौन? प्रसेनजीत। उसके बाद इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो इनका विवाह बाजीरा के साथ हुआ जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, जब इन्होंने उस क्या कहते हैं काशी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, तो इनका अब नैन मैन जो अगला वाला जो शासन करने का जो सोचा था, इन्होंने सोचा था बंजी संघ पे। तो बंजी संघ का जो इनमें मेन कारण दो थे, मेन कारण था गंगा नदी। गंगा नदी पे जो भी इनमें से राज्य अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है तो वो एक तरीके से उसका पूर्ण साम्राज्य हो जाता है। और उसकी एक और वजह थी, गंगा नदी पर रत्नों की खान थी। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कि हम दोनों इसमें सिर्फ आधा आधा जो रत्न होगा लेंगे, लेकिन जो बज्जी संघ था उसने क्या किया, पूरा का पूरे जो रत्नों निकलते थे उस पर पूरा अधिकार कर लिया, जिस कारण इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद में मेन कारण था बज्जी जो था उसको मतलब अंदर उसको तोड़ने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक बार इनको बताया था कि अगर बज्जी संघ को जीतना है तो आप उसको युद्ध से ना होके एक तरीके से संधि या अंदर से कोई गुप्तचर भेज के या आपस में उनमें कुछ ऐसी बातें बता के ही जीत सकते हैं। तो जो इन्होंने किसको भेजा था, इन्होंने भेजा था बसकार को, ये इनके मंत्री थे और इनको इनको भेजा था जिससे कि आपसी फूट डालने के लिए। तो क्वेश्चन हुआ कि इन्होंने किसको मंत्री को भेजा था बज्जी संघ में फूट डालने के लिए। तो बज्जी संघ से जब इनका युद्ध हुआ था तो उन्होंने किस हथियारों का प्रयोग किया था, तो इन्होंने हथियारों का जो प्रयोग किया था वो किया था रथ मूसल और महाशिला कंटक। किस किस का? रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक दो हथियार थे जिसका प्रयोग किया था किसने, अजातशत्रु ने किया था युद्ध के दौरान। तो ये तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रथ मूसल और महाशिला कंटक, एक है वश्यकार और एक है इसमें कि बज्जी संघ का जो युद्ध हुआ था किस वजह से हुआ था और क्यों हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, इनके शासन के मतलब अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में जो महात्मा बुद्ध थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, इनकी जो प्रथम बोध संहिति हुई थी जो कि हुई थी 483 में, किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी, जिसके जो मंत्री थे अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बोध संहिति हुई थी अजातशत्रु के संरक्षक में जो कि कहाँ था, राजगृह में था। समझ में आया, ये पूछ लेता है कि प्रथम बोध संगति किसके समय में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे और कहाँ हुई थी। तो इससे ही चार क्वेश्चन याद हो गए, 483 में हुई थी, राजगृह में हुई थी और महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसमें मेन कारण क्या हुआ था, जब प्रथम बोध संगति हुई थी तो क्या हुआ था इसमें, तो इसमें क्या हुआ था, जो इनकी शिक्षाएं थी महात्मा बुद्ध की उनका विभाजन हो गया था, जो सुत पिटक और विनय पिटक थी उनका विभाजन हो गया था। उसके बाद जो इनके पुत्र थे उदयन, उनके द्वारा इनको मार दिया गया और उदयन को भी पितृहत्ता ही बोला गया था। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हुए कि अजातशत्रु मतलब पहले आप पूछ सकता है, आपको सीरीज में पूछ सकता है बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, ये तो हो गया सीरीज। उसके बाद ये पूछ सकता है राजगृह की स्थापना किसने की, या हर्यवंश की स्थापना किसने की, या फिर पूछ सकता है कोड़ी किसको बोला जाता है, या आपसे पूछ सकता है कि रथमूसल और महाकंटक जो आप महाशिला कंटक जो हथियार थे उसका प्रयोग किसने किया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं उदयन, उदयन का एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया था, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इनके बाद पाटलिपुत्र पूर्ण रूप से राजधानी बन गया था, तो आपसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र को राजधानी किसने स्थानांतरित की। तो पाटलिपुत्र जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वो उदयन ने की थी, लेकिन जो आपकी बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में जो राजधानी थी वो कौन सी थी, राजगृह थी। तो ये होता है हर्यकवंश में, इससे ज़्यादा कभी आपसे पूछा नहीं जा सकता। बस हमें ये याद रखना है पाटलिपुत्र की स्थापना, राजगृह की स्थापना, या फिर ये राजभय जीवक किसके किस राजा के इलाज के लिए गए थे, या आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस हथियारों का प्रयोग किया था, और प्रथम बोध संगीति किसके समय में हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्ष कौन थे। तो सारे क्वेश्चन कम से कम 8-9 क्वेश्चन आपके इससे से पूछे जा सकते हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। बात जानते हैं हम शिशुनाग वंश के बारे में, तो शिशुनाग वंश के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग वंश की जो स्थापना की है वो की है शिशुनाग ने ही। जो इसने किया, इसने क्या किया था, जो कि आपके हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था आपका
नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग गद्दी पे बैठा, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया था शिशुनाग ने, वो किया था अवंती राज्य को, अवंती राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। और इसने क्या किया था, अपनी राजधानी जो थी वैशाली को बनाया और एक गिरिव्रज को बनाया। इसकी दो राजधानियां थी, पहली राजधानी इसने गिरिव्रज बनाई, दूसरी राजधानी वैशाली बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो अन्य शासक आया, कालाशोक आया, कालाशोक ने क्या किया, फिर से जो उदयन के समय में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, द्वारा से उसने क्या किया, पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दिया। और इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो घटना घटी थी इसके समय में कालाशोक के में, वो थी आपकी दित्यबोध संगीति। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दित्यबोध संगीति किसके समय में हुई थी, कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साहब बता सकते हैं दित्यबोध संगीति जो हुई थी वो हुई थी आपकी कालाशोक के समय में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी थे, और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और इस बोध संगीति में हुआ क्या था, इस बोध संगीति में क्या हुआ था, बोध संघ में एक मतभेद हो गया था, और बोध संघ दो पार्टों में, मतलब दो भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से थे, स्थावीर और महासंघिक। और ये स्थावीर कौन थे, महासंघिक कौन थे, स्थावीर वो थे जो परंपरागत जो नियम थे, जो पुराने ही नियम थे, जो चले आ रहे थे, उनको मानने वाले थे। और ये जो महासंघिक थे, ये महासंघिकों ने क्या किया था, कुछ नए नियम भी इन्होंने उसमें मतलब सम्मिलित कर लिए थे। तो ये चीजें पूछ सकता है दित्यबोध संगीति कौन कब हुई थी, इनका क्रम पूछ सकता है शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या करके महानंद वंश की स्थापना की गई थी। ये बस इस पूछ सकता है। और हाँ, ये जो स्थावीर और महासंघिक थे, बाद में जाके किस नाम से पुकारे गए, हीनयान और महायान। तो ये इसमें मोस्ट था कि शिशुनाग के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या थी, इन्होंने ये किया कि अवंती राज्य को मगध में मिलाया था, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, यही इनके जीवन में था। उसके बाद कालाशोक आया, कालाशोक ने क्या किया, पुन द्वारा जो राजधानी थी पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दिया, मतलब वैशाली के बाद जो उदयन के समय में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसको फिर से राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था दित्यबोध संगीति किसके समय में हुई थी, तो ये हमें पता है कालाशोक के समय में हुई थी, अध्यक्ष सर्वकामी थे, 383 में हुई थी। और इसमें मुख्य कार्य क्या था, बोध संघ था उसमें मतभेद हो गया था, इस कारण ये दो भागों में विभाजित हो गया, स्थावीर और महासंघिक। स्थावीर कौन थे, जो पुराने नियमों को मानते थे, इसलिए क्या थे, इन्होंने कुछ अपने नियम उसमें सम्मिलित किए थे, जो बाद में हीनयान और महायान कहलाए। अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या नंद वंश के शासक महान पदम नंद ने की। अब महापदम नंद जो था, सबसे ज्यादा अब तक जितने भी शासक हुए जो हरियक वंश के थे या शिशुनाग वंश के, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था, वो था का महापदम नंद, जिसको उग्रसेन भी बोला जाता था। वैसे ये बोला जाता है, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, कोई शूद्रदासी पुत्र बताता, कोई क्षत्रिय बताता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे शूद्रदासी पुत्र ही मानते हैं। तो इसके इसको और अन्य नाम उसे पुकारा जाता है, कलिकांश, क्षत्रियों का नाश करने वाला, परशुराम का अवतार, इस नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, जब सभी राज्यों पे अपना अधिकार कर लिया था, जितने भी गणराज्य थे, तो इन्होंने एक उपाधि प्राप्त ली थी, क्या नाम था, एकराट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एकराट की उपाधि किसने प्राप्त, किसको बोला जाता था, तो किसको बोला जाता, महापदम नंद को बोला जाता था। और इन्होंने एक और विजय थी, सबसे पहली बार जो कलिंग जो राज्य था उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद वहाँ पे इन्होंने काफ़ी नहरें खुदवाई, कभी कभी पूछ लेता है कि मगध साम्राज्य का पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने कलिंग में नहरें खुदवाई थी, तो कौन था, वो महापदमनंद था। और जिसका विवरण जो दिया है, जो खारवेल था, जो कलिंग का धाम, उसका हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि ये यहाँ से एक जैन प्रतिमा लेके चले गए थे। उसके बाद जो व्याकरणचार्य है पाणिनी, ये इनके मित्र थे, ये बातें हुई महापदम नंद की। क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं, कलिकांश, परशुराम अवतार या उग्रसेन या एकराट उपाधि किसको दी गई, या कलिंग में विजय किसने की, कलिंग में नहरों की खुदाई किसने की। उसके बाद यही क्वेश्चन इसमें से फिर धनानंद पे आते हैं। धनानंद के सबसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का समकालीन था धनानंद, और इसका जो सेनापति था भद्रशाल था, इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था, तो इनके यहाँ पे जैन आवत्य भी थे, स्थूल भद्र और शक्ताल। ये तो था आपका शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। एक बार और इसको देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटी इस समय। सबसे पहले बात करते हैं बिम्बिसार। बिम्बिसार कौन था, हरियक वंश का संस्थापक था।
बिंबिसार ने क्या किया, राजगृह नगर की स्थापना की। राजनगर ग्रह की स्थापना करने के बाद इसने अपने वैवाहिक संबंध मतलब वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया, जिसमें कौशल नरेश की प्रसन्नजीत की बहन से शादी की है जिसका नाम महाकौशला था। तो इन्होंने यही जीवन में इनकी घटनाएं थी जो मुख्य मुख्य थी। अजातशत्रु, अजातशत्रु को पितृहंता बोला जाता है। इनके बारे में इनके समय में प्रथम बोध संगीति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो थे इसके महाकश्यप जो थे ये इनके अध्यक्ष थे। तो ये इसके समय की घटना है। उदयन, उदयन के जीवन की क्या घटना है, उदयन के जीवन की घटना यह है कि इन्होंने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो इन तीनों के जीवन की यही घटना है जो आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी, इनके समय की राजधानी राजगृह थी, इनके समय की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें हैं। अब शिशुनागवंश क्या था, नागदशरथ की हत्या करके जो कि आपका कौन सा हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करने के बाद ये शिशुनागवंश की स्थापना की। इसके समय की कुछ ज्यादा घटनाएं नहीं है, सिर्फ एक ही घटना, अवंती राज्य को अवध में मिलाया था। उसके बाद कालशोक आता है। कालशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना यही है, इनके समय में द्वितीय बोध संगीति हुई थी। वो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष सर्वकामी थे। और क्या हुआ था उसमें, स्थावीर और महासंगी में दो भागों में विभाजित हो गया था। नंदीवर्धन इसके अंतिम शासक थे। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति के बारे में जानना जरूरी है, इनके संस्थापक के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद इनकी विजय के बारे में जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा विजय कौन ने की, किसने की, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन सा था। तो इसके बाद हम जानेंगे महाजनपदों के बारे में, मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में। तो सबसे पहले इसलिए जानना जरूरी था कि इससे क्वेश्चन एक दो पूछ लेता है हमेशा जो आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कोई कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमको पता चले कि हमसे कहाँ पे कमी हुई है और उसका सुधार किया जा सके।